नमस्ते, अभिवादन आपका। इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आज आपको पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस समझा देंगे, इसमें कैसे टेक्निकल लेवल्स पे ये स्टॉक कमजोर हो चुका है। उससे पहले हम एक बात करेंगे फंडामेंटल, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना अगर आप रिलायंस का स्टॉक होल्ड कर रहे हो। एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए वीडियो लाइक कर लीजिए। और जिनके पास पोजीशन है अभी, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने हीरा चुना है, जहाँ से भी आप देख लीजिए, हीरा कंपनी है, चाहे सेक्टर की कंपनी चूज कर लीजिए, चाहे निफ्टी की कंपनी चूज कर लीजिए, चाहे फेंडो की कंपनी चूज कर लीजिए, चाहे इंडिया की टॉप कंपनीज को चूज कर लीजिए, उनमें रिलायंस एक हीरा है, ये आपको पता है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इतने सारे टेक्निकल्स आज आपको मैं बताऊंगा, आज आप समझेंगे कि हाँ सर को कुछ आता है, नहीं तो आज तक सर ऐसे सादा सादा चार्ट दिखाते थे और आप लोग कहते थे आता जाता कुछ नहीं, फालतू बात करते हैं चार्ट पर। तो आज मैं आपको चार्ट पर केवल और केवल सोच रहा था दो चार और लगा लूँ, लेकिन फिर चार्ट ही नहीं दिखाई देता, इसीलिए सोचा दो पे ही काम चला लेता हूं। खैर, अभी फंडामेंटल बात करते हैं। मजाक एक तरफ था, लेकिन लाइक कर देना, लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लाइक जरूर कर देना, नहीं तो फिर क्या होगा आपको पता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूं, अभी कंपनी का मार्केट कैप 13.5 लाख करोड़ का है, जो कि 15 लाख करोड़ के भी ऊपर जा चुका था। अब इससे फ़र्क किसको पड़ा? फ़र्क पड़ा अंबानी साहब को। अंबानी साहब जो चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए थे, इस वक्त 11वें नंबर पर या 12वें नंबर पर खिसक गए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आप पता कीजिएगा। खैर, जब स्टॉक का प्राइस 2,350 रुपये के आसपास था, तो मार्केट कैप जो है वो 15 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था, और जिसके कारण इनकी जो नेटवर्थ हो गई थी 90 बिलियन डॉलर्स की हो गई थी। उसके बाद नेटवर्थ कम होकर 75 मिलियन डॉलर से भी नीचे आ गई। अगर प्रिसाइज होना चाहें तो आज के डेटा के बाद तो ये 70 बिलियन डॉलर पर आ जाएगा। खैर, अभी आज देखोगे रिलायंस में 2.25% के आसपास की गिरावट आई है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 968 रुपये है। अगर आप मोटा मोटी माने या रफली मान लें, रफली अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में रफली की हिंदी होती है मोटा मोटी, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी डिक्शनरी में। मैंने आज आपको वोकैब से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है, तो रफली का मतलब होता है मोटा मोटी। खैर, 1,000 रुपये आप इसको मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1,000 रुपये की बुक वैल्यू वाला स्टॉक आपको मिल कितने में रहा है इस वक्त? 1900 पे। क्या लेना चाहिए? अगर आप देखोगे प्रेजेंट मार्केट सिनारियो में, जहां पर मार्केट की पी ही 40 के पास जा चुकी है, जब आपको एक 31 रुपये की पी वाला स्टॉक मिल रहा हो, वो भी उस कंपनी का स्टॉक मिल रहा हो जिसके पास जियो जैसा ब्रांड है, जिसके पास रिलायंस रिटेल जैसा ब्रांड है, तो आप लेना चाहोगे या नहीं? बिल्कुल आप लोगे, यानी कि फंडामेंटली इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको लेना चाहिए। लॉन्ग रन में कैसी कंपनी परफॉर्म करेगी उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। टेक्निकल लेवल्स पे कमजोरी क्यों आई है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारी बातें करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख रहे हो, यहाँ पर फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन देखिए ये जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका आता है, जहाँ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ये सब इनके पीयर्स में गिने जाते हैं। खैर, वो सब अलग ही लेवल के पीयर्स हैं, लेकिन अगर आप मोटा मोटी, मैंने अभी आपको सिखाया है, मोटा मोटी मानना चाहोगे, तो ये जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है। खैर, कंपनी उस पर फोकस करती है, अच्छी बात है। हम फंडामेंटल्स आपको दिखा दिए, पी के केस में आपको परफेक्ट कंपनी मिल रही है, बुक वैल्यू के केस में आपको परफेक्ट कंपनी मिल रही है, डिविडेंड यील्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में आप एक एवरेज कंपनी पर दांव खेल रहे हो। लेकिन याद रखिएगा, आने वाले समय में जब जियो की रीरेटिंग होगी इस स्टॉक की तरफ से, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी पे मिल सकता है अगर आप बने रहते हो लॉन्ग रन के लिए। तो मैंने आपको ये डेटा भी समझा दिया, 90 बिलियन डॉलर से कैसे अंबानी साहब 70 बिलियन डॉलर पे आ गए और वो टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर जा चुके हैं, जबकि वो एक समय चौथे सबसे अमीर आदमी थे। तो सोच लीजिए स्टॉक मार्केट कितना डायनामिक है, और हम आप सोचते हैं कि इसमें रोज़ पैसा कमाया जाए। रोज़ अगर आप पैसा कमाने आए हो, आप नहीं कमा पाओगे, अंबानी साहब नहीं कमा पा रहे हैं, तो हम आप कौन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आज हमको कितना ज्ञान प्राप्त है इस बाजार में। खैर, हम आपको जनरली ऐसा चार्ट नहीं दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है चार्ट इसमें खो जाता है, लेकिन आज आपको दिखाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि आज आपको बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स का एक बेस पता चलेगा। अगर आप देखेंगे ये जो नीली वाली लाइन जा रही है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को परख लीजिए, ये जो नीली वाली लाइन जा रही है और यहाँ का जो रेट आ रहा है लगभग 1,845 रुपये के आसपास का आ रहा है, ये 200 डे की मूविंग एवरेज की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मूविंग एवरेज क्या होता है उस पर मेरी एक वीडियो है, उसको जरूर जाकर देखिएगा। खैर, 1,850 रुपये के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, 200 डेमा का डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप इसको यहीं पर कह सकते हो, और मूविंग एवरेज भी कह सकते हो, डीएमए भी आप इसको कह सकते हो। खैर, अब 200 के रुपए के आस
200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट 1850 रुपये के आसपास अवेलेबल है। अब क्या रिलायंस वहीं से रिवर्स करेगा? जी नहीं, उससे पहले ही रिवर्सल आने के पूरे चांसेस होते हैं। जब भी कोई एक स्टॉक की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो अपने रेजिस्टेंस से पहले ही बिकवाली पाने लगता है, सपोर्ट से पहले ही खरीदारी आने लगती है। खैर, इस चीज़ को अभी हम इग्नोर करते हैं। ये हो गया पहला सपोर्ट जहां पर हमको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप 1900 के लेवल की बात करें, जिसको आज इसने तोड़ा है, और इसीलिए मैं इस वीडियो का टाइटल भी यही रखूँगा कि 1900 का बहुत बड़ा सपोर्ट रिलायंस ने तोड़ा है, और अगर अगले एक दो दिन 1900 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता है, समझ लीजिए इसके नीचे एक बड़ा डर क्रिएट होगा। जिन लोगों के पास लॉन्ग पोजीशंस है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, वहाँ पर वो लोग अपनी पोजीशन को हल्का करना चाहेंगे, और इस कारण रिलायंस आगे भी 40 से 70 रुपए की गिरावट बड़े आराम से दिखा सकता है, जो कि इस स्टॉक के लिए 2 से 3% के आसपास की गिरावट अभी फर्दर यहाँ पर मिल सकती है। अब आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। भाई, नेगेटिव सेंटिमेंट है रिलायंस के स्टॉक को लेकर। अभी जो सेबी से रिलेटेड न्यूज आई थी, किसानों का आंदोलन अलग ही लेवल पर चल रहा है, एयरटेल वाले ये सब अलग ही लेवल पर बातें कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव सेंस में बातें कर रहे हैं रिलायंस के लिए, ऐसा रिलायंस कह रही है। खैर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। और अगर एक और सिनेरियो आप समझना चाहोगे, रिलायंस ने जो कॉल्स को फ्री किया है, तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि ये पीयर प्रेशर में आकर के, पीयर प्रेशर बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी हो, तो ना ही आपको ये लेना चाहिए, और ना ही किसी को अगर मिल रहा है तो वो आपको सहने देना चाहिए उसको, उसको तुरंत बोलिए इसको इससे आगे बढ़ो। अब ये पीयर प्रेशर से इन्होंने अपनी कॉल्स को फ्री कर दिया। अब आप समझिए कि इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखोगे तो जियो के रेवेन्यू पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अभी तक पैसा दे करके बातें कर रहे थे, 6 पैसे 6 PPM की ही बात अगर कही जाए, 6 पैसा देकर लोग कर रहे थे, अब उनको फ्री में देना पड़ा। इनकी मजबूरी है क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, पोर्ट आउट कर रहे थे। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज है रिलायंस के लिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाना चाहोगे तो इनका रिजल्ट भी आने वाला समय आ गया है, और पिछला रिजल्ट इनका मतलब ऐसा नहीं था कि इम्प्रेस कर दिया हो इन्होंने हमको, और इसीलिए इस स्टॉक में भयंकर ऊपर से गिरावट आई है। और जहां पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये स्टॉक ऊपर से 20% नीचे मिल रहा है। अभी अगर आप यहां नहीं खरीदोगे तो कहां खरीदोगे? खरीदने के लेवल्स मैंने आपको पहले ही सुझाए हुए हैं। 1900 के लेवल पे मैंने आपको लेने से मना किया था जब यहां पर इस कैंडल पे आया था, लेकिन मैंने आपको मैं बता रहा हूं, मैं क्या कहता हूं आपसे, यहां पर आपको लेने के लिए बोला था, और देखिए बढ़िया ऊपर भागा भी था। और यही होती है कि एक कमाई की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। हम हमेशा 5 से 7% की बात करते हैं जब भी आप ट्रेड पकड़ो। यहाँ पर आपको मिला या नहीं, जहाँ पर हमने खरीदा वहाँ हमको 8% के आसपास का रिटर्न मिला था, लेकिन यहाँ मुझे चांसेस नहीं थे, और देखिए नहीं मिला। फिर से वापस ये 1900 पे आ गया, 1900 के नीचे ही इवन क्लोजिंग दिया है आज की डेट में। अगर ये कल 1900 के ऊपर खुल के सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर कल नीचे ट्रेड कर रहा है तो आराम से, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, 40 से 70 रुपये तक की गिरावट अभी यहाँ पर बाकी है, जहाँ पर इसको तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। 200 मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेने के पूरे चांसेस हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप यहाँ देखोगे तो पिछला जो स्विंग लो बनाया था इसने, तो वही 1850 के थोड़ा आसपास बनाया था। तो ये दो कारण हैं जिस कारण मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 1850 तक फिसल सकता है, लेकिन वहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट पा सकता है। लेट्स सी कि क्या होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप देखना चाहोगे, जो ये लाइन गई है, कौन सी लाइन है, इसको पिंक तो कहते नहीं है, इसको कहते हैं बैंगनी। बैंगनी को कौन सा कलर कहते हैं? पर्पल। पपल आर साइलेंट होता है अंग्रेजी में। देखो, हमको अंग्रेजी भी आती है। खैर, देखो मजाक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर फिसल जाता हूँ। खैर, 50 मूविंग एवरेज पे अगर हम चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार, और ये लाइन जितनी क्लोज आती जाएगी, यकीन मानिए उतना बड़ा विस्फोट होगा यहाँ पर। और इस विस्फोट के लिए हम आप पॉजिटिव साइड पे रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये लाइन अगर और कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमें एक बहुत बड़ा विस्फोट रिलायंस में देखने को मिलेगा, जो कि 15 से 18% का भी हो सकता है। अगर हम उस डायरेक्शन में रह गए तो हम बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सही लेवल सब समझा रहा हूँ कि आपको कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अभी अगर यह लेवल टूटता है तो कहाँ पर जाएगा? तो थोड़ा सा मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आ जाता हूँ। अगर ये लेवल तोड़ देता है रिलायंस, तो 1806 रुपये 61.8% का रिट्रेसमेंट है। 61.8% का रिट्रेसमेंट कहाँ पर है? कहाँ पर है? 1806 रुपये पे, यानी कि 1800 तक फिर आराम से गिर सकता है। और ये लेवल इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर आएगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट में कोई पैनिक क्रिएट हो गया है, या फिर कोई क्रैश क्रिएट हो गया है एज ऑफ नाउ, या फिर स्टॉक के लिए कोई बुरी न्यूज आ गई है, जो हम अभी उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है
देखो बुरी न्यूज आना होता है पहले से गिरावट आनी चालू हो जाती है। खैर ऊपर से स्टॉक हमको सस्ता मिल रहा है इसलिए मैं आपको बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सपोर्ट भी समझाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ सपोर्ट अवेलेबल है। 1900 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है तो 1850 का सपोर्ट, 1850 भी नहीं सपोर्ट मतलब संभाल पाता है इसको तो 1806 रुपये। अब ये तीनों लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। हमारा एवरेज कहाँ होना चाहिए? हमारा एवरेज 1850 के आसपास होना चाहिए जो कि बीच का और सबसे बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, तो उस पर आपको फोकस बनाकर रखना है। तो मैंने इतनी सारी टेक्निकल बातें आपको बताई, आपको कैसी लगी? चार्ट इसमें अगर आपको कम दिखाई दे रहा हो तो अब हम चार्ट पर चलेंगे। आई होप मैंने जितने टेक्निकल लगाए थे सब समझा दिया है। एक और चीज़ मैं आपको डेटा के थ्रू बताना चाहूँगा, रिलायंस इतना बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, यहाँ एक चीज़ मुझे देखने को मिली जो कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाती है इस स्टॉक में, कि जब इसका प्राइस ज़्यादा था तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा 12, 13, 14, 15, 16 अक्टूबर का डेटा। यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखिए सिर्फ 21%, 28, 30, 35% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही थी, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस कम हुआ है तो यहाँ पर अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखोगे जब भी ये स्टॉक 1900 के आसपास आता है तो डिलीवरी जो है 40, 43, 42, 46% के आसपास की उठती है, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव साइन देती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ चलिए समझा देता हूँ आपको ये बात भी। अब नॉर्मल चार्ट पे हम आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे चार्ट मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, लेकिन टेक्निकल्स आपको बताने पड़ते हैं। ये टेक्निकल्स देखो, जो भी मूविंग एवरेज के टेक्निकल इंडिकेटर जो है मूविंग एवरेज काम बहुत करता है, लेकिन बस आप लगा कर लेवल देख लीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि लाइन बनी रहती है तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और एग्जैक्टली कोई स्टॉक जो है वो मूविंग एवरेज की लाइन को छूने ही नहीं जाता है, हमको एक सेंस मिलता है कि हाँ यहाँ ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, हम वही सेंस यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। खैर हमने डिलीट कर दिया है, अभी यहाँ पर सफाई हो नहीं पा रही है, तो हम चार्ट पर चलते हैं। आगे हमारा चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन। मैंने आपको जैसे बताया कि टेक्निकल लेवल्स पे आप 1900 का सपोर्ट तोड़ चुके हो, मैंने पिछली ही बार जब वीडियो बनाई थी बोला था यहाँ आपको लेने से मना भी किया था, इसीलिए मना किया था क्योंकि ये 1900 का सपोर्ट मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा था और ज़्यादा चांसेस है कि ये 1900 के सपोर्ट को तोड़ेगा और 1850 पे ही जाकर सपोर्ट लेगा, जो कि 200 डेमा है इसका अवेलेबल वहाँ पर। तो वहाँ पर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम बाइंग इनिशिएट भी करेंगे। अगर ये कल की डेट में गिरावट का शिकार होता है या मार्केट में कोई गिरावट आती है और यहां पर भी आती है तो हम बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं, और आपको भी मैं सलाह दे देता हूं कि आप यहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो एटलीस्ट फॉर अगले 3 से 4 महीने। तो अगले 3 से 4 महीने के लिए भी आप यहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। और जैसा कि 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज एक पास आ रहे हैं तो एक बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी कि कब आता है मोमेंटम। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब सेबी की न्यूज़ आई थी नेगेटिव, मैंने कहा था ये स्टॉक में गिरावट आएगी और ये स्टॉक ठीक ठाक रेट पे भी अवेलेबल था, लेकिन बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट आपको टीवी पे आके बता रहे थे, कुछ मीडिया हाउसेस का तो मुंह तक नहीं खुल रहा था। खैर उन्होंने आपसे कहा था नहीं गिरेगा और अब आप उनको थोड़ा सा परख लीजिए, खैर इस चीज़ को इग्नोर भी कर दीजिए, बच्चे हैं वो लोग, माफ़ कर दिया कीजिए, फिसल जाते हैं थोड़ा इधर उधर, मेरी तरह वो भी हैं। अभी जिनको नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में उनके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो आप ही लोगों के लिए मैंने इस वीडियो का माहौल जो है वो ना सीरियस नहीं बनाया है। देखो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया आपने स्टॉक कमाल का लिया है, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंटली आप चीज़ों को देखो। मैंने सपोर्ट आपको समझा दिया, आप वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, एवरेज करने के लिए भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपको कई बार समझाई हुई है, उसको आप लगाइए, एवरेज करते चलिए, आगे चल के एक बढ़िया रिटर्न आपको देगा। अगर री रेटिंग होती है स्टॉक की तो बहुत अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में बढ़िया रिटर्न देने की। तो बस यही थी वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आते हो आप लोग और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पता है क्या होता है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द पता चलेगी। खैर अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, वीडियो कैसी लगी नीचे बताइएगा, और आप क्या सोचते हो रिलायंस के स्टॉक पे कहां रुकेगा, या फिर आप बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो बताइएगा जरूर नीचे, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।